बीजेपी से बगावत कर सुरेंद्र सिंह बैरिया विधानसभा से वीआईपी कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। वीआईपी कैंडिडेट के तौर पर सुरेंद्र सिंह बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। इस बार सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी में स्वाभिमानी सरवणों की कोई जगह नहीं है, जो सरवण पैर छुएगा उसी को बीजेपी में टिकट मिलता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से टिकट नहीं बंटता है, बल्कि गरीबों के दिल से टिकट बंटता है। सुरेंद्र सिंह ने दावा किया कि बैरिया में बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी। आज एक बहुत बड़ा चीज बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में स्वाभिमानी सवर्णों का कहीं कोई स्थान नहीं, पैर छूने वालों का स्थान है। जो सवर्ण पैर छुएगा अमित शाह जी का, जो सवर्ण बंसल जी का पैर छुएगा उसको टिकट मिलेगा, लेकिन बलिया की धरती पर पैदा हुआ सुरेंद्र किसी का पैर छू करके और चाटुकारिता करके राजनीति करने वाला नहीं है। पराक्रम के बल पर राजनीति करता हूँ, परिक्रमा करके राजनीति नहीं किया हूँ और कभी नहीं करूँगा, और मुझे पूरा अपने जीवन पर, अपने जीवनचर्या पर गर्व है और दिखाऊँगा भारतीय जनता पार्टी का बैरिया विधानसभा क्षेत्र में जमानत जब्त होगा, चौथे नंबर पर रहेंगे और जो है 50,000 से अधिक मतों से भी ज़्यादा मत से मैं जीतूंगा। आप लोग यदि चाहें तो आज से भी मिठाई खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है अपने सम्मानित और पूज्य जनता पर और चुनाव जीतूंगा। अपनी भाजपा शब्द की मत कहिए, मैं सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सभी पार्टियों को हराने के लिए बलिया जनपद में जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं पूज्य लोगों से कहता हूँ, सम्मानित लोगों से कहता हूँ कि जहाँ पर व्यक्तिगत जीवन का सम्मान न हो वहाँ पर काम का कोई महत्व नहीं होता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सम्मान। चाटुकार लोगों को राजनीति में आगे बढ़ा करके कभी भी प्रजातंत्र को सुंदर नहीं रखा जा सकता है, और ये प्रजा चाटुकारिता की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में हावी हो गई है। जो पैर छुएगा उसको टिकट मिलेगा, तो पैर छूने वाला कभी समाज का भला करने वाला नहीं है। विधानसभा क्षेत्र में सभी प्रत्याशियों को चुनौती दे रहा हूँ कि एक एक दिन निकाल लो आप लोग, और एक एक दिन में जो है एक एक दिन देख लिया जाए, एक दिन सुरेंद्र का हो, एक दिन उसका हो, और हाथ गिन से गिन लिया जाए। हम तो वोटिंग हाथ से करा देंगे, हाथ से करा दूंगा। आप लोग जो सांसद NH-31 सात वर्ष में नहीं बना सका, वो जो है बलिया को मुंबई कभी से बना सकता है। वो पशु मेला की जमीन, सुदीश बाबा के पशु मेले की 300 वर्षों से लगने वाली जमीन को लूटने की नियत रखने वाला सांसद कभी बलिया जिले के श्रृंगार करने की हैसियत में नहीं है। और आज घोषणा करता हूँ कि बलिया की धरती पर भगवान चाहा तो विधायक यदि बन गया तो हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव में भी बीरेंद्र सिंह मस्त के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और दिखाऊंगा कि द्वाबा की धरती और बलिया की धरती पर चरित्र का कीमत क्या है। तो सुरेंद्र जी लास्ट में सिर्फ एक सवाल, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ को आप मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करेंगे? सुन लीजिए पत्रकार जी, अभी आप हमारे बारे में जानते नहीं है जी। मैं क्षत्रिय बालक हूँ और क्षत्रिय बालक जो है कभी भी जीवन में विश्वासघाती नहीं होता है, शिवा और राणा का वंशज सीना खोल करके लड़ता है। यदि VIP वहीं सुरेंद्र सिंह ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को भी खुली चुनौती दे डाली। आपको चलाना है, आप लोगों को पवित्र मन से चलाइए। भारतीय जनता पार्टी में स्वाभिमानी सवर्ण नेताओं का कहीं सम्मान नहीं। यदि आप पैर छू करके राजनीति करेंगे भारतीय जनता पार्टी में, आप सवर्ण हो, यदि पैर छू करके राजनीति करोगे तो तुमको टिकट मिलेगा, और पराक्रम के बल पर राजनीति करना चाहोगे तो भारतीय जनता पार्टी में सवर्णों को कोई स्थान नहीं। बालिया हमेशा से बागियों की धरती रही है, अब बीजेपी के खिलाफ सुरेंद्र सिंह ने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। हालांकि ये वक्त ही बताएगा कि सुरेंद्र सिंह बीजेपी को चुनाव में कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे। पंजाब केसरी TV के लिए बलिया से प्रदीप कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।